हेलो एवरीवन, मैं एस के सिंह। आज मैं बात करने वाला हूँ नीट पीजी 2022 में वैसे स्टूडेंट जो कि ऑल इंडिया के साथ साथ 3 से 4 स्टेट का या फिर 2 से 3 स्टेट का काउंसलिंग करना चाहते हैं, तो आपको सिक्योरिटी अमाउंट के बारे में जानना स्टेट वाइज काफ़ी कंपलसरी है कि आपको किस किस स्टेट में कितने सिक्योरिटी अमाउंट लगती है, राउंड वन में किस स्टेट में लगता है, किस स्टेट में राउंड टू में लगता है, ऐसे कौन से स्टेट है जहाँ सिक्योरिटी अमाउंट नहीं है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि यदि आप 3 से 4 स्टेट का अगर फॉर्म भरते हैं, सिक्योरिटी अमाउंट भरते हैं, तो बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जहां 1 लाख कहीं पे 2 लाख रुपीज़ का सिक्योरिटी अमाउंट ली जाती है। तो इस कंडीशन में आपको अगर 4 स्टेट का करते हैं तो 8 लाख रुपीज़ आपको सिक्योरिटी अमाउंट में ही सिर्फ लग जाएंगे। और इस कंडीशन में आपको बहुत सारे ऐसे स्टेट होते हैं जहाँ फॉरफिट होने की भी उम्मीद होती है। अब बहुत सारे ऐसे स्टेट होते हैं जहाँ राउंड 1 में सिक्योरिटी अमाउंट ली जाती है, लेकिन कुछ कुछ ऐसे स्टेट हैं जहाँ राउंड 2 में ली जाती है, और कुछ ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे किसी भी राउंड में आपको सिक्योरिटी अमाउंट नहीं ली जाती है। और यदि आप लोगों को वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आप नए चैनल पे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन जरूर क्लिक करें। और यदि आपको पेड सर्विस चाहिए तो आपको हमारे यहाँ प्रीमियम सर्विस अवेलेबल है, आप चाहें तो प्रीमियम सर्विस ले सकते हैं। वीडियो के स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, उस नंबर पर कॉल करके ले सकते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बिहार। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि मैं पिछला वीडियो एक अपलोड किया हूं, उसमें मैं बताया हूं स्टेट वाइज कौन कौन से ऐसे स्टेट हैं जहां राउंड 1 में रजिस्ट्रेशन यदि आप नहीं करते हैं तो कौन कौन से स्टेट में राउंड 2 में फ्रेश रजिस्ट्रेशन होता है, और ऐसे कौन से स्टेट हैं जहाँ मॉपअप में फ्रेश रजिस्ट्रेशन होता है, ऐसा कौन सा स्टेट है जहाँ राउंड 2 में फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। जो राउंड 1 में रजिस्ट्रेशन किए थे वही स्टूडेंट राउंड 2 में पार्टिसिपेट करेंगे, तो आप पिछला वीडियो के जाके चैनल पे देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बिहार का। बिहार में आपको कोई सिक्योरिटी अमाउंट नहीं लगेगा राउंड 1 में और ना ही राउंड 2 में लगेगा, आपको सिर्फ मॉपअप राउंड में आपको सिक्योरिटी अमाउंट ली जाएगी। अब अगला स्टेट है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में आपको राउंड 1 से ही 2 लाख रुपीज़ का सिक्योरिटी अमाउंट ली जाएगी। इसके बाद हिमाचल प्रदेश, यहाँ पे आपको कोई सिक्योरिटी अमाउंट नहीं है, यहाँ पे आपको किसी तरीके का कोई सिक्योरिटी अमाउंट नहीं है, ये एक ओपन स्टेट है। और बिहार भी ओपन है, उत्तर प्रदेश भी ओपन है। अगला स्टेट है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ भी ओपन स्टेट है, यहाँ पे सेकेंड राउंड से 2 लाख रुपीज़ का सिक्योरिटी अमाउंट ली जाएगी, राउंड 1 में कोई सिक्योरिटी अमाउंट नहीं लगती है। अगला स्टेट है उत्तराखंड, उत्तराखंड में आपको 2 लाख रुपीज़ का सिक्योरिटी अमाउंट ली जाएगी, लेकिन ये राउंड 2 में ली जाएगी, राउंड 1 में सिर्फ आपको रजिस्ट्रेशन फ़ी लगेंगे, सिक्योरिटी अमाउंट अगर राउंड 2 में पार्टिसिपेट करते हैं तो ही लगेगा, ये भी आप एक ओपन स्टेट है। अगला स्टेट है राजस्थान, ये भी ओपन स्टेट है, यहाँ पे आपको राउंड 1 से ही सिक्योरिटी अमाउंट 2 लाख रुपीज़ का पे करना होता है, और ये भी एक ओपन स्टेट है। अगला स्टेट है आंध्र प्रदेश, यहाँ पे कोई सिक्योरिटी अमाउंट नहीं लगता है, सिर्फ यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फ़ी ही पे करना है। तेलंगाना में भी कोई सिक्योरिटी अमाउंट नहीं लगता है, सिर्फ आप रजिस्ट्रेशन अमाउंट पे करके पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके बाद है पौंडीचेरी, पौंडीचेरी में राउंड 1 में कोई सिक्योरिटी अमाउंट नहीं लगता है, सिर्फ आप रजिस्ट्रेशन फ़ी को पे करके आप राउंड 1 में पार्टिसिपेट करेंगे, 2 लाख रुपीज़ का सिक्योरिटी अमाउंट आपको राउंड 2 में लगता है। पौंडीचेरी एक ओपन स्टेट है। अगला स्टेट है हरियाणा, हरियाणा में आपको राउंड 1 से ही आपको 2 लाख रुपीज़ का सिक्योरिटी अमाउंट पे करने पड़ेंगे। अगला स्टेट है कर्नाटका, कर्नाटका में कोई सिक्योरिटी अमाउंट नहीं है, यहाँ पे सिर्फ आपको रजिस्ट्रेशन फ़ी ली जाएगी, जो कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में सबसे कम है। तमिलनाडु भी एक ओपन स्टेट है, यहाँ पे आपको 2 लाख रुपीज़ का सिक्योरिटी अमाउंट चार्ज की जाती है, ये भी आपको राउंड 1 से। इसके बाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में कोई सिक्योरिटी अमाउंट नहीं है, लेकिन इस साल से 1 लाख रुपीज़ सिक्योरिटी अमाउंट चार्ज की जाएगी प्राइवेट के लिए, गवर्नमेंट के लिए 25,000 रुपीज़ चार्ज की जाएगी इस साल से। इसके बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में राउंड 1 में कोई सिक्योरिटी अमाउंट नहीं ली जाती है, लेकिन राउंड 2 से आपको 2 लाख रुपीज़ का सिक्योरिटी अमाउंट ली जाएगी। पंजाब में राउंड 1 में कोई सिक्योरिटी अमाउंट नहीं होता है, राउंड 2 से यहाँ पर 2 लाख रुपीज़ का सिक्योरिटी अमाउंट पे करने पड़ेंगे। वेस्ट बंगाल में कोई सिक्योरिटी अमाउंट नहीं है, ये भी एक ओपन स्टेट है। गुजरात में आपको कोई सिक्योरिटी अमाउंट नहीं है, मतलब इसमें जितने भी स्टेट हैं वो मैक्सिमम आपको ओपन स्टेट हैं, खास करके मध्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात को छोड़ दें तो बाकी के जितने भी स्टेट हैं लगभग 13 स्टेट हैं जो कि आपको ओपन स्टेट हैं। तो ये आपको जानना काफ़ी आवश्यक है, तो आपको इस वीडियो के माध्यम से, इस वीडियो को जो अभी स्क्रीन पर दिख रहा है इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें,
ताकि आपको इन फ्यूचर आपको कोई प्रॉब्लम को फेस नहीं करने पड़े। बहुत सारे स्टूडेंट कन्फ्यूजन में है कि राउंड वन में ही सिक्योरिटी अमाउंट दी जाती है, ऐसा नहीं। कुछ कुछ स्टेट में राउंड वन में दी जाती है, कुछ कुछ स्टेट में राउंड टू में, और कुछ कुछ ऐसे स्टेट हैं जहां सिर्फ मॉप अप राउंड में दी जाती है। तो इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना होगा। बिहार के लिए मैं बताया, बिहार में क्या होता है कि बिहार में टर्म एंड कंडीशन पे डिपेंड करता है। यहाँ पे कभी कभी कोई सिक्योरिटी अमाउंट नहीं ली जाती है। जब इसके पिछले साल 2020 में काउंसलिंग हुआ था, ऑनलाइन हुआ था, यहाँ पे 2 लाख रुपीज़ का सिक्योरिटी अमाउंट ली गई थी। लेकिन इस साल जो 2021 में काउंसलिंग हुआ था, वहाँ पे सिक्योरिटी अमाउंट नहीं ली गई थी। तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने बताया कि अभी सिक्योरिटी अमाउंट नहीं है। बाकी जो भी चेंजेज आती है मैं आपको अपडेट कर दूँगा। मेरा दोस्तों फिलहाल के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।